वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉलिड स्टेट के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आ गए हैं। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में बताया था कि बीसीसी, एफसीसी और सिंपल क्यूबिक वाले में कितनी परसेंट की पैकिंग एफिशिएंसी होती है। आज जो हमारा वीडियो है वो टॉपिक है हमारा क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लोज पैकिंग के बारे में बताए थे आपको। देखिए बहुत ही सिंपल चीज है क्लोज पैकिंग क्या चीज है। जनरली इसका कोई डेफिनेशन जेन्युइन तो नहीं, लेकिन हाँ ये कहते हैं कि अगर एक सॉलिड के अंदर में ज्यादा से ज्यादा एरिया उनके पार्टिकल्स से भरा हुआ हो और कम से कम एरिया खाली हो, ज्यादा एरिया पैक्ड हो इन द सेंस कि पार्टिकल्स के थ्रू पूरा फील्ड हो, भरा हुआ हो और कम से कम एरिया खाली हो, तो हम कहते हैं कि पैकिंग जो है वो क्लोज है। ठीक है, अब क्लोज पैकिंग अलग अलग तरीके से हो सकती है, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल, बहुत तरीके से हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लोज पैकिंग में। सबसे पहले वन डायमेंशनल से तो आपको बताते हैं। वन डायमेंशनल का मतलब सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाएगा। जैसे आप मान लीजिए इस पार्टिकल को आप देखिए, यहां मैं कुछ पार्टिकल्स बना रहा हूं, ये बिल्कुल वन डायमेंशनल है क्योंकि इसमें सिर्फ एक्स एक्सिस नजर आ रहा होगा आपको। तो अगर मैं किसी एक को मार्क कर दूं, सपोज मैंने इसको मार्क कर दिया बीच वाले को, ठीक है, तो अब आपको मैं बताने जा रहा हूं कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कुछ खास नहीं है, जो नियरेस्ट नेबर्स होते हैं, नियरेस्ट नेबर्स किसी भी पार्टिकल्स के नियरेस्ट नेबर्स। आप देखिए इसके एक पार्टिकल ये टच में है, ये दूसरा पार्टिकल टच में है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 2। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसा हो जाएगा 2। तो वन डायमेंशनल जब भी होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 2, क्योंकि दो ही पार्टिकल उसके टच में है। अब चलिए हम लोग चलते हैं टू डायमेंशनल की तरफ। टू डायमेंशनल में जैसा कि मैंने आपको कहा कि क्लोज पैकिंग किसे बोलते हैं, जिसमें ज्यादा से ज्यादा एरिया फिल्ड हो, तो एक हमारे पास, मैं एक पिक्चर यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं जिसमें अब मैं एक्स और वाई एक्सिस दोनों बना लूंगा। देखिए अभी जो मैंने आपके सामने पिक्चर ड्रॉ किया, इसमें आप ठीक देख रहे होंगे कि एक पार्टिकल के ठीक नीचे दूसरा, उसके ठीक नीचे तीसरा, उसके ठीक नीचे चौथा पार्टिकल, और दूसरी तरफ मैं यहां पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूं उसी टाइप का। लेकिन इस बार जो पार्टिकल मैं डाल रहा हूं यहां पर, पिछली बार मैंने पार्टिकल के ठीक नीचे पार्टिकल लगाया था, इस बार पार्टिकल जो है आप देखिए जो गैप था उसके अंदर डाला जा रहा है, गैप के अंदर। देखिए इन दोनों का अरेंजमेंट आपको डिफरेंट नजर आता होगा, क्योंकि इस बार मैंने क्या किया, पिछली बार जो यहाँ वन नंबर पे दिख रहा है, यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा कि पार्टिकल के ठीक नीचे दूसरा पार्टिकल है, एक एक्सिस ये वाला, एक एक्सिस ये वाला, मतलब इसमें सिर्फ लंबाई है और चौड़ाई है, तो ऑब्वियसली टू डायमेंशनल हो गया। अब आपको मैं बताता हूं कि इसके लिए आप लिखा हुआ देखेंगे नॉन क्लोज पैकिंग, या फिर अगर आपने क्लोज पैकिंग लिखा हुआ भी देखा तो आप वहां पे देखेंगे स्क्वायर लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ देखेंगे, स्क्वायर। अब ये स्क्वायर क्यों है पहले वो समझ लेते हैं, क्योंकि अगर आपको ये पता हो, मैंने आपको बताया है पिछले वीडियोस में कि जो शेप बनता है वो पार्टिकल्स के सेंटर्स को मिलाने के बाद बनता है। तो अगर मैं यहां पर पार्टिकल्स का सेंटर मिलाऊं, जैसे मान लीजिए मैंने इसको मार्क कर दिया, ठीक, और मैंने क्या किया कि इसके अगल बगल जितने भी पार्टिकल्स हैं उसको मार्क कर रहा हूं सेंटर्स को। ये देखिए सेंटर, ये दूसरे का सेंटर, ये तीसरे का और ये चौथे का, यही चार लोग उसके टच में है, इन चारों को मिला दे अगर, इन चारों को मिला दे अगर, तो क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एक स्क्वायर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए आप क्या नाम देखेंगे इसका लिखा हुआ, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और मैंने इसको कहा कि ये नॉन क्लोज पैकिंग है और ये वाला क्लोज पैकिंग। क्यों क्लोज पैकिंग, क्या बताया था, ज्यादा से ज्यादा एरिया भरा हुआ। आप यहां पार्टिकल्स के बीच का गैप देखिए थोड़ा ज्यादा दिख रहा होगा और यहां पार्टिकल्स के बीच का गैप देखिए बहुत कम दिख रहा होगा, इसलिए इसे नॉन क्लोज पैकिंग की कैटेगरी में रखा गया और इसे क्लोज पैकिंग की कैटेगरी में रखा गया। अब आप ये भी समझ लें कि यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 4, क्योंकि अभी आपको बताया कि जो नियरेस्ट नेबर्स होंगे किसी भी पार्टिकल के वही कोऑर्डिनेशन नंबर बताते हैं। जैसे इस पार्टिकल को अगर मैंने मार्क किया है तो कितने पार्टिकल्स इसके टच में है वो क्या बताएगा हमें, कोऑर्डिनेशन नंबर, दैट इज 4, क्योंकि चार पार्टिकल्स के टच में है। अब आप ये भी चीज समझें
कि अगर मैं इस पार्टिकल इस लेयर का नाम ए रख दूं, तो ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है, मतलब किस टाइप की पैकिंग बन रही है, ए ए टाइप की पैकिंग बनती हुई नजर आ रही है, मतलब सब एक ही टाइप के लेयर है, मतलब एक लेयर उसके ठीक नीचे, दूसरा उसके ठीक नीचे, तीसरा वहीं पर जहां फर्स्ट है वहीं पर सेकंड, वहीं पर थर्ड, वहीं पर फोर्थ, तो मतलब इसी के रिपीटेशंस हो रहे हैं। तो इसको किस टाइप का कहा जाता है, ए ए टाइप का कहा जाता है। समझ गए आप स्क्वायर क्यों कहा जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है और ए ए टाइप का क्यों कहा जाता है। देन आप आएंगे नंबर टू पे। अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो मैं इन पार्टिकल को अगर मार्क कर दूं और इसके इंटरमीडिएट जो कि जस्ट बगल वाले पार्टिकल्स हैं जो कि इसके टच में है, आप देखिए मैं इनके सेंटर्स को मिला रहा हूं, क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, हेक्सागन, ठीक है। इसलिए यहां पर क्या आपको नाम लिखा हुआ दिखेगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ओके समझ गए आप। और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना दिखेगा आपको, सिक्स। उसके बाद आप लेयर्स की बात करिए, ए है, ये बी है, देखिए ये ए है और ये भी क्या है, बी है। ध्यान से देखेंगे आप तो फर्स्ट लेयर के सामने ये थर्ड वाला लेयर है, इसको देखिए, इसको देखिए, और सेकंड लेयर के सामने चौथा लेयर है, फोर्थ लेयर है, तो ये किस टाइप का हो गया, ए बी टाइप। तो नाम क्या है, हेक्सागोनल क्यों नाम है, उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स है इसका, ये भी मैंने आपको बताया किस टाइप का कहा जाता है, ए बी टाइप का, है ना। अब मैं इसके बाद आपको बताऊंगा थ्री डायमेंशनल के बारे में, आप एक बार इसको नोट कीजिए, वीडियो पॉज कर। क्लियर नोट आप, मैं इसको हटा देता हूं यहां से, वन डायमेंशनल टू डायमेंशनल, ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर भी साथ साथ बनाते चल रहे हैं। अब आते हैं थ्री डायमेंशनल, जो कि एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग से बनेगा और एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से बनेगा। तो पहले मैं आपको बताऊंगा स्क्वायर क्लोज पैकिंग के थ्रू बनने वाला, ओके चलिए। अब बात होगी थ्री डायमेंशनल की, थ्री डायमेंशनल वाले में मैं यहां पे सबसे पहले एक और नॉन क्लोज पैकिंग टाइप का बनाऊंगा, नॉन क्लोज लिए क्योंकि वो स्क्वायर वाला जो आपको बताया था वहीं से इसको बनाएंगे, और इसका नाम होगा सिंपल क्यूबिक, लेकिन इसमें आपको थ्री डायमेंशनल पिक्चर नजर आएगा। इसके लिए मैं पहले तो टू डायमेंशनल ड्रॉ करता हूं, जैसा कि अभी मैंने बनाया था, फर्स्ट लेयर के ठीक सामने दूसरा लेयर, उसके नीचे तीसरा, उसके ठीक नीचे चौथा लेयर है। ये हो गया लेंथ, ये हो गया वेट, मतलब लंबाई और चौड़ाई हो गई। अब होगी ऊंचाई, जैसे आप अंडे का आपने ट्रे देखा होगा ना, एक ट्रे के नीचे दूसरा ट्रे, दूसरे के नीचे तीसरा ट्रे, बिल्कुल वैसा ही, एक अंडे के ठीक नीचे दूसरा वाला रहता है। उस तरीके से अगर मैं पिक्चर में थोड़ा सा यहां पे इसको 3D इफेक्ट देना चाहूं, अब आप देखेंगे अगर ध्यान से तो आपको यहां पर ये दिख रहा है एक्स एक्सिस, ये दिख रहा है y एक्सिस, और ये देखिए आप देखने की कोशिश करें कि ऐसे पीछे की तरफ z एक्सिस, ये पीछे की तरफ क्या दिख रहा है, z एक्सिस। तो आपको ये साइड से व्यू मिल रहा है, साइड से कितने लेयर्स नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4, ऊपर से भी देखेंगे आप तो 1 2 3 4, मतलब इस एटम के पीछे, इस मैं मार्क कर रहा हूं ध्यान देना, इस एटम के पीछे ये वाला आइटम है, इस आइटम के पीछे ये वाला आइटम है,
इस एटम के पीछे भी कोई एटम होगा जो दिख नहीं रहा है क्योंकि आपको सिर्फ कॉर्नर वाला दिख रहा है। चलिए उस पीछे वाले एटम का सेंटर यहां पर, इस एटम के पीछे वाले का सेंटर यहां पर, ये देखिए इसके पीछे वाला ये है। तो हमने क्या किया, सबके सेंटर्स को मार्क कर लिया। अब सेंटर्स को मार्क करते हैं और जब मिलाएंगे तो डेफिनेटली कोई स्ट्रक्चर बनना चाहिए। अब देखिए कैसा वाला बनने वाला, सिंपल क्यूबिक, चलिए मिला के देखते हैं। सेंटर्स को मिलाते हैं, सेंटर्स को मिलाया हमने, देखिए क्या बना, क्यूबिक बना। क्या किया हमने, सामने वाले लेयर का भी चार पार्टिकल लिया, 1 2 3 4, और इन चारों के पीछे वाला भी पकड़ा हमने। तो डेफिनेटली ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग जो अभी थोड़ी देर पहले हमने बनाया था उसी से ये निकल के आ रहा है। तो इसलिए इसका नाम क्या होगा, सिंपल क्यूबिक। इसे भी किस कैटेगरी में रखा जाएगा, नॉन क्लोज, क्योंकि यहां पर पैकिंग उतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, सिंपल क्यूबिक पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग मत बोलिएगा क्योंकि वो अलग है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी उसके बारे में, वो एकदम आएगा। अभी तो मैंने सिर्फ दो लेयर्स बनाए हैं, एक के ठीक पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, इस तरीके का बनाया। अब नंबर टू पे आते हैं और टू का पिक्चर तो बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसा कि हमने भी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनाया था, एक लेयर के नीचे दूसरा लेयर रखा था, है ना। तो जब एक लेयर के नीचे हमने दूसरा लेयर रखा था तो अभी भी वही करेंगे, लेकिन इस बार मैं पार्टिकल्स को थोड़ा दूर दूर बनाऊंगा ताकि आपको समझ में आए। ये मत सोचना कि पार्टिकल्स दूर दूर हैं, पार्टिकल एक दूसरे के टच में है, ठीक है, पार्टिकल्स एक दूसरे के टच में है। बस गैप में पार्टिकल जा रहे हैं पहले की तरह। ये डाला हमने फर्स्ट लेयर। अब क्या हुआ कि पिछली बार यही बनाया था, इसमें एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखो यहां से इस बार क्या करने वाले, यहां पर डेफिनेटली हमने दूसरा लेयर बनाया, 3D बनाया यहां पे, तो अब यहां पर हम क्या करने वाले, सेकंड लेयर बनाने वाले हैं इसके ऊपर, ठीक है। सेकंड लेयर, सेकंड लेयर को अगर आप ध्यान दोगे तो मान लीजिए कि हमने ब्लैक से एक लेयर बनाया और अब हम इसके ऊपर दूसरा लेयर बना रहे हैं, ये मैंने ब्लू कलर से मान लिया। आप देखिए इस बार भी पैकिंग हम उसी तरीके से बना रहे हैं जिस तरीके से हमने ब्लैक वाला बनाया है, ठीक उसी तरीके से ये ब्लू वाला भी बन रहा है। जो कि ये भी आप नोटिस अगर करेंगे, ध्यान देंगे तो देखिए ये ब्लू और ये ब्लू, इसके बीच में हमने ये वाला डाला, मतलब सेकेंड लेयर भी बिल्कुल वैसे ही बनाया कि दो पार्टिकल्स लगे हैं उनके बीच का जो गैप है वहां हमने नीचे छोटा वाला, सॉरी सेकेंड वाला जो लेयर था वो डाला। तो आप देखिए ब्लैक वाले के गैप में हमने पहले ब्लैक वाला डाला था, अब हमने ब्लू वाले के गैप में ब्लू वाला था, ठीक है। अब आपको यहां पर ये समझना है इस पिक्चर में कि मैं मार्क करके दिखाता हूं, देखिए ये सेकंड लेयर, सेकंड लेयर ब्लू वाला, सेकंड लेयर ये ब्लू वाला, सेकंड लेयर, सेकंड लेयर आपको दिख रहा है, ये भी सेकंड लेयर, ये भी सेकंड लेयर, दिस वन इज सेकंड लेयर, दिस वन इज ऑल्सो सेकंड लेयर। तो अब आप इसी दोनों रो से समझ लीजिए, इसी दोनों से समझ लीजिए कि यहां पर जो हमें नजर आ रहा है ठीक ऐसे कि मान लीजिए एक लेयर यहां पर था ब्लैक वाला एक, इसके बगल में ब्लैक वाला दूसरा और इन दोनों के गैप में ब्लैक वाला तीसरा, ठीक है। सपोज इस तरीके से था कि दो लेयर थे इस तरीके से और थर्ड लेयर यहां बीच में, और इसका जो देखिए आप नोटिस कीजिए कि इन दोनों के बीच में हमने ये लगाया और दोनों इन तीनों के जुड़ने के बाद कुछ ऐसा पिक्चर ड्रॉ करके दिखाते हैं। एक ऐसा लगा हुआ ये ब्लैक उसके बगल में और ये तीसरा, देखिए अब आपको समझ में आ रहा होगा, ये ब्लैक, ये ब्लैक, ये ब्लैक, यहां पर जो आपको बीच में गैप नजर आ रहा है, अभी जो गैप नजर आ रहा है इस गैप को हम लोग कहते हैं ट्राइगोनल वॉइड। क्या कहते हैं, ट्राइगोनल वॉइड। क्यों कहते हैं ट्राइगोनल वॉइड, क्योंकि इसके इसमें जब पार्टिकल्स के सेंटर्स को मिलाया जाएगा तो क्या बनेगा, ट्रायंगल बनेगा। इसलिए हम क्या नाम देते हैं, ट्राइगोनल वॉइड। वॉइड बोलो या होल्स बोलो या इंटरस्टीशियन बोलो, इंटरस्टीशियन, ठीक है। तो ये तीनों में से कोई भी नाम आपको मिल सकता है। तो वॉइड, होल्स या इंटरस्टीशियन मतलब होता है गैप,
पैकिंग के बाद जो बचा हुआ गैप है उसको हम बोलते हैं वॉइड, ठीक है। तो ये कौन सा वॉइड है? ट्राइगोनल वॉइड। अब हमने क्या किया, फिर से एक बार ड्रॉ कर रहे हैं, ये फर्स्ट लेयर और इस फर्स्ट लेयर के ऊपर हमने बना दिया सेकेंड लेयर, ठीक है। अब आप यहां पर देखो ध्यान से, ये आप देखो, ये ब्लैक, ये ब्लैक, ये ब्लैक, और उसके ऊपर हमने ये ब्लू वाला बनाया, वैसे ठीक हमने यहां बनाया। अब जो यहां पर वॉइड नजर आ रहा है, अब जो यहां पर गैप नजर आ रहा है, इस गैप को कहा जाता है टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड। अब इसका नाम टेट्राहेड्रल वॉइड क्यों है, ये भी आप समझ रहे होंगे। जब इन चारों के सेंटर्स को मिलाया जाएगा तो एक टेट्राहेड्रॉन बन के तैयार होगा, इसलिए इस वॉइड का क्या नाम होगा? टेट्राहेड्रल वॉइड। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर यहां तो कोई गैप नजर नहीं आ रहा, लेकिन अब आपको दिख रहा होगा, जब मैंने यहां पर हल्का सा रब कर दिया है तो आपको गैप नजर आ रहा होगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे सर, जब आपने इधर से पार्टिकल रखी लिया तो गैप कहां है? समझने के लिए आप ऐसा करो, इस पिक्चर को आप ऐसे उठाया मैंने, ठीक है, अभी तो आपको दिख रहा होगा सर यहां से तो ये बंद है, लेकिन इसको उठा करके अगर ऐसे घुमा दे आपके सामने, तो आपको समझ में आ रहा है कि पहले आपके सामने कौन सा लेयर था, ये जो मैंने मार्क कर रखा ये लेयर था, लेकिन अगर इसको ऐसे उठाया और इस तरीके से घुमाएंगे तब आपको पीछे से होल नजर आ रहा है, जहां पे तीन पार्टिकल्स लगे हैं उनके बीच का जो गैप नजर आ रहा है, उस गैप को जब एक सेकेंड लेयर लग चुका है ऊपर से, पहले तो तीन ही थे सिर्फ, लेकिन अब क्या उसका सेकेंड लेयर लग चुका है, तो मान लीजिए कि सेकेंड लेयर सामने से लगा था। अब मैं आपको पिक्चर को ऐसे रोटेट करके दिखा रहा हूं इस तरफ से, तो अगर जो इस तरीके से बंद था, अगर मैं इस तरीके से घुमाऊंगा तो फिर आपको क्या लगेगा, ये सेकंड लेयर तो पीछे चला गया, अब आपके सामने कौन सा लेयर है? ब्लैक वाला लेयर, तीन वाला, उन तीनों के बीच में अभी भी गैप है, लेकिन चूंकि सेकंड लेयर अभी लग चुका है और मैं चारों के सेंटर्स को मिलाऊंगा तो टेट्राहेड्रॉन बनेगा, इसलिए अब इस वॉइड का नाम क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात हो यहां पर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर कितना होगा? 3, है ना। यहां कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, आप समझ गए होंगे अभी तक, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होने वाला है, ठीक है। अब आपको यहां पे समझना है, जब टेट्राहेड्रल वॉइड आपने देख लिया, चलिए मैं लिख भी देता हूं यहां पे टेट्राहेड्रल वॉइड कौन है, ये वाला टी, यहां पर भी लिख देते हैं टी, इस जगह भी लिख देते हैं टी, और यहां पर लिख देते हैं टी, और भी जगह लिख दें, ये आप देखिए यहां पर टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, समझ गए। अब आपको जो नया एक और वॉइड समझना है थर्ड टाइप का, दैट इज ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल वॉइड किसको कह रहे हैं, मैं आपको पिक्चर में यहां दिखा रहा हूं, देखिए ये देखिए, ये देखिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अगर एक पार्टिकल मैं यहां पर भी ड्रॉ कर दूं, अगर मैं पार्टिकल यहां पर भी ड्रॉ कर दूं और मार्क कर दूं, तो फिर यहां पर भी जो वॉइड नजर आ रहा है कौन सा है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इस हिसाब से ये भी कौन है? ऑक्टाहेड्रल। ये कौन है? ऑक्टाहेड्रल। ये कौन है? ऑक्टाहेड्रल। समझ पा रहे हैं बात, कहां पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना? अब आप देखिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बना। ये फर्स्ट लेयर था ब्लैक वाला, मतलब अलग से ड्रॉ करना अगर चाहूं तो यहां पर बना, देखो अलग से ड्रॉ करते हैं, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड, ये ब्लैक वाला हमने एक लेयर बनाया और फ्रेश करते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड जो बना है उसको बनाने के लिए हमें फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर दोनों के तीन तीन पार्टिकल्स को बनाना पड़ेगा, ठीक है, तीन तीन पार्टिकल्स को बनाना पड़ेगा, तीन ये ब्लैक वाले बनाएंगे जब तक नहीं, एक दो तीन, और फिर ये वाला हम लोग बनाएंगे, ठीक। देखो 1, 2, 3, ये हमने बनाया, इसको थोड़ा बड़ा कर दें, ठीक है। अब इसके ऊपर तीन और बनाएंगे, देखिए कलर चेंज कर देते हैं, 1, 2, 3 मार्क कर दे, सेकंड लेयर, ये सेकंड लेयर। अब आप समझिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है। जब ये ब्लैक वाला तीन एक दूसरे से जुड़ा हुआ था तो एक वॉइड पहले से बना हुआ था, ठीक है, जब हमने ये सेकंड लेयर उसके ऊपर लगाया तो वॉइड के ऊपर वॉइड बना, इट मींस ऑक्टाहेड्रल वॉइड वो वॉइड है जो फर्स्ट लेयर के वॉइड के ऊपर लाई करता है। The void lies over the void of the first layer is called
ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऐसा वॉइड जो फर्स्ट लेयर के द्वारा बनाए गए वॉइड के ऊपर लाई करता हो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब आप बताओ कि इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड को बनाने के लिए कितने लोग रिस्पॉन्सिबल है और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, क्या नाम है इसका, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6। समझ गया, ये हो गया हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्यों ऑक्टाहेड्रल, बिकॉज जब हम सबके सेंटर्स को मिलाएंगे तो एक ऑक्टाहेड्रॉन बनेगा। तो ये हो गया हमारा 3D में, ये हमने जो बनाया है यहां पे, इसका नाम क्या था, सिंपल क्यूबिक है ना, और ये हमारा हेक्सागोन क्लोज पैकिंग से हमने बनाया। अब इसके अंदर कहां पर बनेगा वो पैकिंग, वो समय के साथ आप सीखोगे, क्योंकि अब इसके अंदर जाकर के पैकिंग बनाना पॉसिबल यहां पे नहीं है बोर्ड पे, धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आपको चीजें समझ में आएंगी। हमारा यहां पर मेन मोटो था कि आपको टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, इन दोनों के बारे में बताया जाए और साथ साथ ट्राइगोनल वॉइड है इसके बारे में भी बताया जाए। ठीक, आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं, वीडियो एक बार पूरा मत देखना क्योंकि मैं तो लगातार पढ़ा रहा हूं, लेकिन जैसे आप कुछ देर समझ लेना तो एक बार उसको वापस रिकॉल करना दिमाग में कि हाँ ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, वॉइड क्या होता है, ये सब पढ़ लिया, टेट्राहेड्रल कौन है, ऑक्टाहेड्रल कौन है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कौन है वो आपने देखा, ठीक है, उसके बाद ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनता है वो भी आपने देखा। अब आप देखो, अब हमें पढ़ना है, ये तो दो लेयर हमने बनाया, अब हमारे पास एक टॉपिक है, इसको हटा देंगे, इसको हटाए, चलो रन देते हैं, यही समझाते हैं, समझने का है बस। थर्ड लेयर ओवर द सेकेंड लेयर, क्या है हमारे पास अब टॉपिक, थर्ड लेयर ओवर द सेकेंड लेयर, इसको हटा ही देते हैं, इसका तो काम है नहीं, इसी पे सारा काम है हमारा। देखना अभी मैंने इसका नाम सिंपल क्यूबिक लिखा था, रीजन तो तुम्हें याद ही है, क्लोज मत लिखना इसमें, क्योंकि क्लोज पैकिंग इसको कहते हैं, ज्यादा ज्यादा एरिया फिलो, जैसे ये वाला। अब हम लोग ये जानने वाले हैं कि ये थर्ड लेयर ओवर द सेकेंड लेयर क्या है और ये थर्ड लेयर कहां कहां बन सकता है, उसका क्या नाम है और क्या क्या उसके पैकिंग एफिशियंसीज है और कोऑर्डिनेशन नंबर है, ये सब हम लोगों को जानना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तो कुछ भी आ सकता है ना, है कि नहीं। अब देखो, तीसरा लेयर बनाना है तो हम तीसरा लेयर कहां कहां बना सकते हैं, थर्ड जो लेयर बनाएंगे वो हम कहां कहां पर बना सकते हैं वो हमें देखना है। तो तीसरा लेयर टेट्राहेड्रल वॉइड को भी कवर करने के लिए बनाया जा सकता है, तीसरा लेयर ऑक्टाहेड्रल वॉइड को भी कवर करने के लिए बनाया जा सकता है। तो सोच के देखो, मैंने क्या कहा था कि टेट्राहेड्रल वॉइड क्या इधर से दिख रहा है, नहीं ये उधर से दिख रहा है बोर्ड के पीछे से। अगर मैं इस पिक्चर को ऐसे उठाऊं और ऐसे घुमा दूं पूरा, तब तो टेट्राहेड्रल वॉइड नजर आएगा ना। अब ये इमेजिन करो कि अगर टेट्राहेड्रल वॉइड को मान लो कवर करना हो, टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करना है, किसको करना है कवर, कवर टेट्राहेड्रल वॉइड। तो अगर टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करना हो तो हम तीसरा लेयर कहां पर लगाएं, डेफिनेटली जहां वॉइड है वहीं पर लगाएंगे, आप उसी के पीछे लगाएंगे। तो अगर आपने इस वॉइड को कवर करने का सोचा है तो आप जो तीसरा लेयर लगाने वाले हैं, मान लो एक ब्लैक एक ब्लू है, मान लो तीसरा वाला आप एक और लेयर लगाने वाले, तो सोच के देखो कि जहां पर ब्लू वाला पार्टिकल है वहीं पर लगाओगे या कहीं और लगाओगे। डेफिनेटली अभी तक दिमाग ने आंसर दिया होगा कि वहीं पर लगाएंगे सर, तभी तो टेट्राहेड्रल वॉइड कवर होगा, मतलब अगर इस वॉइड को कवर करना है तो यही भी पार्टिकल लगाना होगा ना, भले ही पीछे से लगाए, तो यही पर पार्टिकल लगाना है तो वो पार्टिकल तो ठीक इसके सामने होगा, होगा ना, होगा कि नहीं होगा, इसके सामने, ठीक। तो जब हम कवर करते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड को तो उस समय जो हमारा तीसरा लेयर होता है वो ठीक टेट्राहेड्रल वॉइड वाले पार्टिकल के सामने होना चाहिए, और जब ऐसी पैकिंग होती है तो हम उसे कहते हैं HCP, क्या कहते हैं, HCP, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, ठीक है, क्या कहते हैं इसे हम, HCP कहते हैं, ठीक, याद रखना। तो HCP किस टाइप की पैकिंग होगी, ABAB टाइप, है ना, किस टाइप की होगी, ABAB टाइप की होगी। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा
कि जब हम टेट्राहेड्रल वॉइड के सॉरी टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करने के लिए तीसरा लेयर ठीक उसी होल के पीछे लगाएंगे या टेट्राहेड्रल वॉइड का जहां बना है पार्टिकल उसके साथ लगाएंगे, तो वहां जो पैकिंग बनेगी वो किस टाइप की बनेगी? एचसीपी बनेगी, है ना, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और किस टाइप का होगा वो? एबीएबी टाइप। अब नेक्स्ट, लेकिन नेक्स्ट सुनने से पहले थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं पानी। अब चलते हैं हम लोग, आई होप यहां तक तुमने समझ लिया होगा। तो अब किस तरफ जाना है? तीसरा लेयर और एक तरीके से बना सकते हैं, थर्ड लेयर हमने एक बार बना लिया, ठीक है। और जनरली तुम लोगों को ये वाला इसमें एग्जांपल भी बता देते हैं कि जिंक में ये देखने को मिलता है कि जिंक में इसी तरीके की पैकिंग होती है, एचसीपी टाइप की पैकिंग होती है, मतलब थर्ड लेयर ऑक्टेट्रल वॉइड को कवर करता है। अलग अलग सब्सटेंसेस में, अलग अलग सॉलिड्स में अलग अलग टाइप का पैकिंग देखने को मिलेगा, और वो क्वेश्चन में बताया रहेगा कि इसने पैकिंग बनाई है, ये वॉइड में बैठा है, ठीक है। तो अब देखो क्या है कि ये एबीएबी टाइप है, जिंक का एग्जांपल, ये काम खत्म हो गया, तीसरे पे आते हैं। अगला जो हमारा तीसरा लेयर है वो कहां बन सकता है, इसके लिए फिर से एक बार कलर्ड मार्कर की जरूरत होगी। इस बार आप देख के बताना कि एक और क्या तरीका हो सकता है वॉइड्स को कवर। एक बार हमने टेट्राहेड्रल वॉइड कवर किया, अब हम ऑक्टाहेड्रल कवर करना चाहते, तो ऑक्टाहेड्रल कवर करने के लिए ये मैंने बना दिया एक लेयर, और ये देखो ये हमने यहां बना दिया ऑक्टाहेड्रल कवर किया, ये ऑक्टाहेड्रल को हमने कवर किया, ये ऑक्टाहेड्रल को हमने कवर किया। तो जरा देख के बताओ कि क्या यहां पर पहले से कोई पार्टिकल मौजूद था? नहीं, ये हमने जो लेयर लगाया ये तीसरा लेयर है, पिछली बार भी तीसरा लेयर लगाया था लेकिन ठीक ब्लू वाले के सामने, इसलिए हम उसको नया नाम नहीं दे पाए। इस बार हमने ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करने की कोशिश की है, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर करने के लिए हमें नया पार्टिकल लगाना पड़ा, या यूं कहिए नया लेयर लगाना पड़ा, वहां पहले से कोई पार्टिकल मौजूद नहीं था। तो अब ये किस टाइप की पैकिंग हो गई? अगर ये ए है, ये ब्लू वाला बी है, तो ये रेड वाला क्या होगा? सी। तो ये किस टाइप की पैकिंग हो गई? एबीसी, एबीसी टाइप, और इसी का नाम है सीसीपी। सीसीपी मतलब क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। तो अब आपको याद रखना है दो नाम, एक एचसीपी और एक सीसीपी। अब सीसीपी में सी से एग्जांपल याद कर लो, कॉपर, क्या एग्जांपल मिलेगा? कॉपर। और एचसीपी में क्या याद कर लो? जिंक। सीसीपी में कॉपर के, भाई कॉपर का जो मेटल है, कॉपर मेटल के अंदर पैकिंग कैसी होती है? सीसीपी पैकिंग होती है, ठीक है। मतलब सीसीपी पैकिंग कब होगा? कि व्हेन द ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज कवर्ड। तो एबीसी एबीसी टाइप होगा। जब हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करने के लिए थर्ड लेयर लगाएंगे, तो डेफिनेटली हमने जो लेयर लगाया वहां पर पहले से कभी भी पार्टिकल मौजूद नहीं था, या उस उसके सामने भी कोई पार्टिकल मौजूद पहले से नहीं था। तो ये आपको मैंने बताया कि एचसीपी क्या है और सीसीपी क्या है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और भी कुछ कुछ बातें याद रखनी होगी आपको, जैसे अभी सीसीपी बता दिया, तो एक चीज तुम लोगों को बताते हैं ऐसे नॉलेज के लिए, देखो अभी इसके बारे में बाद में बातें होंगी। जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, सबको पता है कि पॉजिटिव चार्ज वाले का साइज छोटा और नेगेटिव चार्ज वाले का साइज बड़ा होता है। पॉजिटिव चार्ज वाले का साइज छोटा होता है क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो अट्रैक्शन ज्यादा हो रहा, साइज छोटा, उसने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो रिपल्शन ज्यादा, साइज बड़ा। तो NaCl के NaCl कंपाउंड के अंदर CCl जो है, Cl- है, वो कैसा पैकिंग बनाता है? सीसीपी। और Na+ जो है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में जाकर के बैठ जाता है। ऐसे एग्जांपल तुम्हें बता रहा हूं कि कैसे पैकिंग होती है, कि जब ये सीसीपी पैकिंग बन गया और इसके बाद भी जो वहां पर छोटे छोटे होल्स बच गए हैं, उन्हीं होल्स में जाके कौन बैठ जाता है? Na+। तो कोई भी पार्टिकल में बहुत अच्छा पैकिंग कब होगा? जब हर जगह, छोटा से छोटा जगह में कोई ना कोई वहां पे जाके आयन जाकर के बैठ गया हो, या एटम जाकर बैठ गया हो, या मॉलिक्यूल जाकर बैठ गया हो।
तो स्ट्रॉन्ग पैकिंग होगी, बहुत स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस होगा वो। तो वॉइड में कौन बैठता है? Na प्लस, और पैकिंग कौन बनाता है? Cl माइनस। कैसा वाला सीन? लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार नेगेटिव चार्ज वाला ही पैकिंग बनाए, कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलेगा कंपाउंड में फ्लोराइड जैसे एग्जाम्पल है जहां पॉजिटिव चार्ज वाला पैकिंग बनाएगा, नेगेटिव चार्ज वाला बॉन्ड में बैठेगा। खैर ये एक एग्जाम्पल मैंने तुमको बताया। और क्या बातें याद रखनी चाहिए जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है? जैसे पिछले क्लास में तुम्हें बताया था बीसीसी कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखो 8, एफसीसी कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखो 12। बॉडी सेंटर्ड वाले में तुम देखोगे कि एक पार्टिकल के टच में 8 पार्टिकल्स होते हैं कॉर्नर वाले, इसलिए बॉडी सेंटर्ड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया 8। उस तरीके से एफसीसी वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया 12। अब पैकिंग एफिशिएंसी की बात करें, लेकिन इसका तो जानते हैं, इसका भी जानते हैं, अब एक बार एससीपी और सीसीपी का भी पैकिंग एफिशिएंसी जान लें। तो एचसीपी हो या सीसीपी हो, एचसीपी हो या फिर सीसीपी हो, दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर हो या पैकिंग एफिशिएंसी हो, किससे मैच करता है? फेस सेंटर्ड वाले से। किससे मैच करता है? एफसीसी से। मतलब एचसीपी हो, एचसीपी का मतलब कैसा है? एक लेयर, उसके नीचे दूसरा लेयर, मान लो यहां पर तीसरा लेयर जो है वो देखो मेरा जो फर्स्ट हैंड है ठीक इसके सामने नीचे में, चौथा लेयर इसके सामने में, तो एबीएबी टाइप चल रहा है, लेकिन वहां पर एक पार्टिकल के टच में कितने पार्टिकल्स होते हैं? टोटल 12। इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर एचसीपी का क्या होगा? 12। सीसीपी वाले में क्या होता है? अगर एक लेयर यहां है, दूसरा यहां है, अब एक जो मान लो बीच वाला लेयर है उसमें 7 पार्टिकल्स है, ठीक 7 पार्टिकल्स में से एक मान लो बीच में, 6 उसके टच में है, ऊपर से वॉइड को भरने के लिए 3 आ गए, नीचे से वॉइड को भरने के लिए 3 आ गए, तो वहां पर कितने कोऑर्डिनेशन नंबर हो गए? 6 प्लस 3 एंड 3 6 मतलब 12। तो क्या याद रखना है कि अब बुक में जाओ ना, तो बुक में इसके पिक्चर्स बने हुए हैं, तुम देख सकते हो वहां पर अपने एनसीईआरटी बुक में, रेफरेंस बुक में, कि कैसे एक लेयर के नीचे दूसरा लेयर एबीसी एबीसी, कैसे एबी एबी टाइप होता है, जरूर देखना बुक पे। तो एससीपी और सीसीपी दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 12। और पैकिंग एफिशिएंसी होगी 74%, जो कि एफसीसी का भी होता है। तो अब याद रखो कि ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है, तो बिल्कुल पैकिंग एफिशिएंसी एचसीपी और सीसीपी की उतनी ही होती है जितना कि एफसीसी का होता है। तो ये हो गया हमारा पूरा टॉपिक, इसके ऊपर पूरा डिस्कशन हो गया एचसीपी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि थर्ड लेयर ऊपर सेकंड लेयर दो तरीके से बना सकते हैं। एक बार तीसरा लेयर हमने टेट्राहेड्रल क्वाड को कवर करने के लिए बनाया, तब उसका नाम एचसीपी हुआ। एक बार हमने तीसरा लेयर ऑक्टाहेड्रल क्वाड को कवर करने के लिए बनाया, तब उसका नाम सीसीपी माने क्यूबिक क्लोज पैकिंग हुआ। एक छोटा सा यहां पर पॉइंट बच रहा, वो भी आपको बता के वीडियो को एंड करूंगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्या बताना है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल आता है इसी पर बेस्ड, वो आपको बताते हैं। ये सब तो आपके पास नोट्स में होगा ही, तो स्क्रीनशॉट आप लेके वहां से नोट कर सकते हैं। कैसा क्वेश्चन है पहले ये जान लो कि अगर मान लिया जाए किसी पैकिंग को बनाने में किसी पार्टिकल मतलब मान लीजिए जो भी पार्टिकल यूज हो रहा है, कितने पार्टिकल्स यूज हो रहे हैं? 100, ठीक है। पैकिंग बनाना है, अगर पैकिंग बनाने में कितने पार्टिकल्स यूज हो रहे हो? 100। अगर 100 पार्टिकल्स मिलकर के पैकिंग बनाएंगे तो ठीक उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनते हैं, और टेट्राहेड्रल वॉइड्स उसके क्या बनते हैं? डबल। ये आपको याद है कि ठीक उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनते हैं जितने पार्टिकल्स पैकिंग के लिए यूज हो रहे हैं, और उसका डबल क्या बनता है? टेट्राहेड्रल वॉइड। अब इस बात पे ना न्यूमेरिकल्स आते हैं, कैसे वाले न्यूमेरिकल्स देखते हैं। मान लो कि एक क्वेश्चन है कि ए और बी दो लोग मिलकर के कोई कंपाउंड बना रहे हैं, मेक्स अ कंपाउंड इन विच बी जो है वो सीसीपी बना रहा है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग कर रहा, मतलब बी जो है वो पैकिंग का काम कर रहा है, और ए जो है वो टोटल टेट्रा
हेड्रल वॉइड्स को कवर कर रहा है। क्या कर रहा है? जितने भी टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं उनको वो कवर कर रहा है। तो इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा? बहुत सिंपल है, लेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ बी इज 100, क्योंकि जो पैकिंग बना रहा है उसको मान लीजिए कि वो 100 है। तो आपको जैसा कि पता है कि जो पैकिंग बना रहा है अगर वो 100 है तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे? 200। सो टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू 200। देयरफॉर नंबर ऑफ पार्टिकल ए इज आल्सो 200, क्योंकि जितने भी टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं सब में ए जाके बैठ रहा है। ए इज टू बी क्या होगा? ए 200 और तो बी 100, मतलब 2:1। देन द फॉर्मूला इज ए टू बी। बहुत ही सिंपल है। इस तरह का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस बार तीन ले लेते हैं कंपाउंड, ठीक है? ले लिया स्क्रीनशॉट। इस बार क्या ले लेते हैं कि एक्स वाई जेड तीन लोग हैं, जेड पैकिंग बना रहा है, कुछ भी ले लो, सीसीपी एचसीपी कुछ भी ले लो। एक्स जो है हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कवर कर रहा है और वाई जो है हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कवर कर रहा है। देख लीजिए, जेड पैकिंग बना रहा है, एक्स ने हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कवर कर रखे हैं और वाई ने आधे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कवर कर रखे हैं। तो इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा? इसके लिए लेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ जेड को मान लिया क्या 100। जैसे हमने जेड को 100 माना, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे? 100, और टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे? 200। अब एक्स क्या कर रहा है? नंबर ऑफ एक्स पार्टिकल्स हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल, हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल मतलब 100। नंबर ऑफ पार्टिकल वाई हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल कितने हैं? 100 इज 50, ठीक। अब हमें एक्स के बारे में पता चल गया, एक्स कितना है 100 पार्टिकल रेशियो, वाई कितना है 50 पार्टिकल और जेड कितना है 100 पार्टिकल्स। रेशियो बनाएंगे आप, 50 से कैंसिल आउट करें, 2:1:2। द फॉर्मूला इज x2 y z 2। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। कितना आसान है। तो आज का टॉपिक बहुत ही इजी है, लेकिन आप ठीक से समझे ट्राइगोनल वॉइड क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या है, फर्स्ट लेयर मतलब वन डायमेंशन आपको बताया, टू डायमेंशन बताया, थ्री डायमेंशन में आपको मैंने क्यूबिक सिंपल क्यूबिक बना के दिखाया, उसके बाद मैंने आपको दिखाया टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड, फिर आपको बताया थर्ड लेयर ओवर द सेकंड लेयर, उसके बाद मैंने बताया एचसीपी और सीसीपी के बारे में आपको, उसका भी पैकिंग एफिशिएंसी उतना ही है जितना एफसीसी का है, और फिर हमने लास्ट में दो छोटे न्यूमेरिकल्स भी इस पर देख लिए। आई होप कि आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगे, पसंद में आए और आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।